साथियों, 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य सिर्फ सरकार का नहीं है, ये लक्ष्य देश के हर राज्य के सहयोग से ही प्राप्त होगा। हमारे यहां पर हर राज्य में अनेक संभावनाएं हैं, राज्य के हर जिले में अनेक संभावनाएं हैं, बहुत पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल को जितना ज्यादा लाभ सरकारें, हमारा उद्योग जगत, हमारे लघु उद्योग, हमारा सर्विस सेक्टर उठाएगा, उतना ही तेजी से देश आगे बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, पोटेंशियल को जब पॉलिसी का साथ मिलता है तो परफॉर्मेंस आपो आप बढ़ जाती है। ये परफॉर्मेंस ही प्रोग्रेस लाती है, यानी जिले के, राज्य की, देश की प्रोग्रेस इंटरकनेक्टेड है। ये बिखरा हुआ नहीं है, ये टुकड़ों में नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इस उदाहरण में इंटरनेशनल रैंकिंग भी है, पोटेंशियल भी है, और हिमाचल के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के लिए आज हमने जो टूरिज्म सेक्टर में रैंकिंग किया है, उसका सीधा लाभ आज हिमाचल को मिलने की संभावना है। चाहे इको टूरिज्म हो, चाहे एडवेंचर टूरिज्म हो, चाहे स्पोर्ट्स टूरिज्म हो, हर क्षेत्र में हिमाचल आगे आने के लिए पूरी संभावनाओं से भरा पूरा हुआ है। साथियों, साल 2013 में भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 65 नंबर पर था। आज हम 34वें नंबर पर हैं। आखिर ये बदलाव कैसे आया? 5 साल पहले भारत में सालाना करीब 70-75 लाख विदेशी टूरिस्ट आते थे। पिछले 5 साल ये आंकड़ा 1 करोड़ विदेशी टूरिस्ट को पार कर चुका है। आखिर ये वृद्धि कैसे हुई? साथियों, 2014 में भारत के लोगों को टूरिज्म सेक्टर में विदेशी मुद्रा में 1,20,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। वहीं पिछले साल ये विदेशी मुद्रा बढ़कर करीब करीब 2,00,000 करोड़ रुपए पहुंच गई। ये परिवर्तन भी कैसे आया? साथियों, हमने टूरिज्म सेक्टर के पोटेंशियल को समझा, ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में पॉलिसी इंटरवेंशन किए, दर्जनों नए देशों को ई वीजा की सुविधा दी, और इसी का नतीजा था कि परफॉर्मेंस बदल गई, रैंकिंग बदल गई। साथियों, आज भारत में टूरिज्म को एक पैकेज की तरह प्रमोट किया जा रहा है। नेचर हो, एडवेंचर हो, स्पिरिचुअल हो, मेडिकल हो, इको हो, हर प्रकार के टूरिज्म पर बल दिया जा रहा है, और हिमाचल इस मामला में संभावनाओं से भरा पड़ा है। इतना अच्छा आयोजन आज यहां हो रहा है, इसलिए मैं कहूंगा कि कॉन्फ्रेंस टूरिज्म की संभावनाएं भी हिमाचल में बढ़ रही है। हमें इस पोटेंशियल को समझ लेंगे तो प्रोग्रेस बहुत दूर नहीं रह जाएगी।